अब अगर आपने आर्टिकल 31 की बात करें, जहां संपत्ति का मौलिक अधिकार हमें दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने हटा दिया है, तो वहां आर्टिकल 31 के 31 खे और 31 गे आज भी मौजूद हैं। तो अपने को कई बार सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि आर्टिकल 31 पूर्ण रूप से हटा दिया गया था क्या? जैसे आर्टिकल 370 की बात होती है, क्या पूर्ण रूप से हटा दी गई है? तो जिस प्रकार से उसे पूर्ण रूप से नहीं हटाया है आर्टिकल 370 को, उसी प्रकार से आर्टिकल 31 को भी हमने पूर्ण रूप से नहीं हटाया है। आर्टिकल 31 में केवल वो भाग जो हमें संपत्ति के संबंधित मौलिक अधिकार प्राप्त करता था, देता था, प्रदत्त करता था, वो हटा दिया है। 31 के ए जो सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग एक्विटेशन ऑफ स्टेट्स, यानी संपदा यानी संपत्ति के अर्जन के लिए हमें कुछ विधियां, जो अपने कुछ संपदा अर्जित करने के लिए कुछ उपबंध करने वाली विधियां हैं, उनकी व्यावृत्ति, उनकी किस प्रकार से रक्षा की जाए, तो मैं आपको बता दूं, नेट 2018 में प्रश्न आया था कि मौलिक सॉरी संविधान का रक्षा कवच है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, संविधान का रक्षा कवच है, तो उसका उत्तर था 31 बी। 31 बी और 31 क है, उसका अर्थ यह है कि आज भी हम संपत्ति, ऐसा नहीं है कि आपकी संपत्ति है उसको कोई आज नष्ट कर दे, नहीं, हाँ हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टी है उससे अगर कोई आपको उस पर आपकी कोई अतिक्रमण करता है या उसके साथ किसी प्रकार से क्वेश्चन करता है, तो आज भी आप कानूनी लीगल एडवाइजरी के लिए जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, तो वो किस अनुच्छेद के तहत जाते हैं? 31 के तहत, यानी किसी संपदा का या किसी संपत्ति का किन अधिकारों के द्वारा राज्य, यानी कोई राज्य है उसको अर्जित करना चाहता है, मान लीजिए लोक कल्याण के लिए, तो वो कैसे उसको एक्वाई करेगा? ऐसा नहीं है कि उसकी मनमानी ढंग से उसकी रेट लगा करके वो एक्वाई कर लेगा, नहीं करेगा। तो राज्य द्वारा अर्जन करने के लिए उसकी विधियां बताई गई हैं, उसके बताया गया है कि अगर कोई बहुत बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट है तो उसके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी को भूमिहीन यानी भूमिहीन करके ही हम पब्लिक इंटरेस्ट करेंगे, नहीं, 31 के में बताया गया है, या आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि इससे बहुत बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट हो रहा है, यानी आप डीपीएसपी लागू कर रहे हैं, तो पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर हम किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से, उसकी संपदा को उसका कुछ हर्जाना दे करके आप एक्वायर कर सकते हैं। इसी प्रकार से दो या दो से अधिक कोई निगम है या कोई उनके उनके द्वारा कोई लोकहित के लिए उद्देश्य से अगर कोई संपत्ति का एक्वायर करना है, या निगमों के अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, या मान लीजिए कोई खनिज या खनिज तेल वहाँ निकल गया है, उसके लिए आप सरकार को कोई करार या पट्टा या कोई लाइसेंस है उसके लिए, तो उनके आधार पर वो आपकी जो संपत्ति है उनको एक्वाई कर सकते हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 में जो आपकी राइट थे, जो कंफर्म किए गए थे आर्टिकल 14 और 19 के द्वारा, उनके तहत ये विधि आपकी असंगत है या छीनती है, उसको अवॉइड करती है, उसके लिए राज्य विधानमंडल है, उसकी अगर कोई विधि बनाई गई है तो उसको भी हमारी संसद है वो ओवरराइड कर सकती है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 31 क्या है, वो हमें बताता है कि किन कंडीशन के आधार पर हमारी संपत्ति का राज्य, राज्य का मतलब यहाँ कोई राजस्थान वो नहीं है, राज्य का मतलब भारत की संसद या भारत का भारत की संघीय सरकार, वो हमारी संपत्ति का एक बार कर सकती है। तो इसमें खूब सारे प्रभाव हुए। अपना जो 31 बी है, वो वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, भी कुछ अधिनियम है, कुछ विनियम है, उनका विधि मानीकरण भी आपने 31 कह के तहत, तो ये देखा है कि अपने कुछ उपबंधों के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो किस प्रकार से हम उसको सैक्योर करेंगे। लेकिन 31 बी जो है वो थोड़ा वाइड है, तो वो ये कहता है अपने को कि अगर 9वीं अनुसूची जो अपनी है उसमें कुछ नियम उपनियम हैं, वो जो जोड़े गए हैं उनके, ये 9वीं प्रथम संविधान संशोधन से ए और बी जोड़े गए थे, तो उनमें जो नियम और विनियम जोड़े गए हैं उनको अपने, वो अगर किसी कानून का ओवरराइड करते हैं और करते हैं, या तो उसके लिए हम जुडिशियल रिव्यू हम इसमें नहीं कर सकते, या इनके आधार पर हम किसी कानून को शून्य नहीं समझ सकते, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और 31 गै
जो 31 गए है, ये अपना जो 25वां संविधान संशोधन था 1971 में, उसके द्वारा ये जोड़ा गया था अपने ए और बी हैं, उनको हमने पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा है, और 31 सी गए हैं जहां पर डीपीएसपी को एफआर पर वरीयता दी गई है, यह हमने 25वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था 1971 में, और कुछ डीपीएसपी थे उनको एफआर के ऊपर यानी हमारे फंडामेंटल राइट से उनसे ज्यादा वरीयता दी गई है कि कोई अपनी कोई राज्य है यानी अपनी संघीय सरकार या संसद कोई ऐसी विधि बनाती है हमारे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या डीपीएसपी को लागू करने के लिए जिससे हमारा आर्टिकल 14 या 19 वो ओवरराइड होते हैं, उनसे वो विधि है वो असंगत है या मेल नहीं खाती है या हमारे सीधा सा मतलब है हमारे मौलिक अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है, तो हम उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब 31 गए के आधार पर हमारे मौलिक अधिकारों को न्यून किया गया है, यानी कुछ सेविंग ऑफ लॉज गिविंग जो हमारे इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो थे हमारे उनको वरीयता दी है हमने। तो यहाँ एक बात मैं थोड़ी सी और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा अगर बनाई गई है और वहाँ उस अनुच्छेद के उपबंध इस विधि को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक ऐसी विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित नहीं रखा जाता या राष्ट्रपति से अनुमति नहीं ली जाती। मान लीजिए आपने 31 गैस से संबंधित जो कोई है लेजिस्लेचर वहाँ कोई राज्य वो है लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कोई नियम बना देती है, विधि बना देती है, प्रोविजन कर देती है, तो उसको हम तब तक इसको अनुमति नहीं देंगे जब तक हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपनी असेंट नहीं दे देता, वो अपनी अनुमति नहीं दे देता। आर्टिकल 33 जो है उसमें हम ये बात करते हैं कि हमारे सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस बल हैं, गुप्तचर संस्थाएं हैं या इनमें लगे हुए कोई नागरिक या व्यक्ति हैं उनको उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनको हम मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं या उनको कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं, और वो जो लोग हैं वो फिर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि हमें हमारे पूर्ण मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, ऐसा अगर होगा तो हमारी सेनाओं में अनुशासन नहीं रहेगा। तो आर्टिकल 33 में जो हमारी आर्मर्ड फोर्स हैं वो, और इसके अलावा आर्मर्ड फोर्स में कोई या पब्लिक ऑर्डर के लिए या हमारी पुलिस बल या गुप्तचर या इनमें लगे कोई भी लोग हैं वो हैं वो उनके लिए हम हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको हम न्यून कर सकते हैं, निराकृत कर सकते हैं, और वो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट को अपना चैलेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल 34 जो है वो मार्शल लॉ के बारे में है, सेना विधि के बारे में है, मार्शल लॉ या सैन्य शासन भी कहते हैं इसे। इसका अर्थ ये है कि हमारी संसद या हमारा कोई राज्य सेवा का कोई व्यक्ति यानी हमारी संसद के द्वारा मान लीजिए कोई ऐसा संसद के सामने ऐसी कोई मतलब ऐसी कंडीशन आती है, अभूतपूर्व ऐसी कंडीशन तुरंत आती है कि वहाँ मार्शल लॉ लगा दिया गया है और मान लीजिए उसे किसी राज्य सेवा के किसी व्यक्ति की यानी व्यक्ति की या नागरिक की कोई क्षति हुई है तो उस क्षतिपूर्ति की जो भरपाई है वो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में चैलेंजिंग नहीं करेगा। वो उस समय सेना विधि जहाँ लागू थी या लॉ ऑर्डर मनाने के लिए वहाँ लागू की गई थी तो उसके तहत ही उसको सेटल किया जाएगा। यानी कहने का मतलब हम किसी भी क्षेत्र में सेना विधि को लागू कर सकते हैं और उस समय हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन पर हम निर्बंध यानी प्रतिबंध लगा सकते हैं उस पर किसी प्रकार का, और हम इस आधार पर उसको चैलेंजिंग नहीं कर सकते। हाँ अलग बात है मार्शल लॉ और आपातकाल में बहुत बड़ा अंतर होता है, वो थोड़ा हम आगे इसमें जिक्र करेंगे। आपातकाल में भाग 35 देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 12 से 35 तक हमारे हैं, तो 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में हमारे मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण सीमित अवैध करने वाली विधियों को असंगत करने वाली विधियों के बारे में कुछ बात की गई है, 33 में हमने देखा सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, गुप्तचर संस्थाएं जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं उनके मौलिक अधिकार हैं उनको सीमित किया गया है, मार्शल लॉ हम किसी भी क्षेत्र में सेना कानून लागू कर सकते हैं और उस समय हम हमारे मौलिक अधिकारों को अगर कमी हुई है तो हम उसको कोर्ट में चैलेंजिंग नहीं कर सकते, हम फॉरफिट के लिए किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं निकाल सकते। तो आर्टिकल 35 बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ संसद को शक्ति दी गई है कि
कि वो संविधान के किसी भी भाग में मौलिक अधिकार हैं उनको न्यून करने के लिए या उनको लागू करने के लिए या किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए या किसी बात की लागू करने के लिए संसद है वो विधि बना सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट, संसद को शक्ति दी गई है, राज्य विधानमंडलों को ये शक्ति नहीं दी गई है। और खूब सारे विषयों पर हमने कानून बनाए भी हैं, आर्टिकल 16 का पार्ट 3 है या आर्टिकल 32 का पार्ट 3 है, 33, 34, ये जो सारी बातें हैं ये संसद के द्वारा ही इस पे विधि नियम बनाए गए हैं। और इसके बाद भी ऐसे कार्यों के लिए वो अपराध के लिए जैसे आर्टिकल 17 है उसमें अस्पष्टता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो ये सारे जो दंड वगैरह देना या दंड अधिरोपित करना ये कहाँ होता है, ये आर्टिकल 35 के तहत होता है और ये पावर केवल और केवल हमारी संसद को है, राज्य विधानमंडलों को नहीं है।